क्योंकि मेरी जिंदगी में आपसे पहले ना कोई था और ना ही कोई होगा। ये अच्छा किया बेटा आपने कि आहिल के लिए शॉपिंग कर ली। थैंक यू पापा। साहब जी, वो चौकीदार ने लेटर दिए आपके लिए। क्या लिखा है पापा? बेटा कोर्ट की तरफ से आया है। क्या लिखा है और क्यों आया है? कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। रूमी के वकील ने एप्लीकेशन दी थी कि वो जॉब कर रही है, इसलिए महीने के पहले हफ्ते में वो आयल की मुलाकात करवाएगी, वो अप्रूव हो गई है। ओह माय गॉड, अब मैडम जॉब करेंगी। यहाँ की सारी आसाइशें रास नहीं ना ही, अब खाए थके। फैजान, अब तो कोर्ट उसी की हिमायत करेगा, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं कौसर, उनका पॉइंट वैलिड है। जाहिर सी बात है कि वो नौकरी कर रही है, इसलिए उसे कंपनसेट किया गया है। साहिर है, अब वही नौकरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालेगी ना। भाई में तो इतनी सकत है नहीं है कि बहन और भांजे का खर्चा उठाए। कौसर, ये उनका पर्सनल मैटर है। फैजान, क्यों उनका पर्सनल मैटर है? आहिल हमारा पोता है। जब वो नौकरी भी चाहती होगी तो आहिल को कौन देखता होगा? नानी रखती होगी उसे, और क्या। वैसे भाभी तो नौकरी मिल कहाँ गई? पढ़ी लिखी तो है ना। पढ़ी लिखी होगी मम्मी, लेकिन आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जरूर ये कोई मामूली सी टीचिंग की जॉब मिली होगी उन्हें। बेटा एक बात तो है कि रूमी ने अगर शादी करनी होती तो वो ये जॉब क्यों करती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या जबरदस्त मिलाद था, और नाते पढ़ने वाली जो लड़कियां आई हुई थी, इतनी खूबसूरत आवाजें थी उनकी, मैंने भी एक नात पढ़ दी। चलो अच्छा किया। माशाल्लाह। अम्मी आप क्यों नहीं गई? ये कैसे जा सकती हैं? हालांकि जाना तो चाहिए था, लेकिन आहिल का ख्याल कौन रखता ना, फिर इसलिए घर पे रह गई। हालांकि शकीला खाला के हर इवेंट में आना जाना है हमारा, इतनी पुरानी पड़ोसन जो हुई। बेटा मैं तो खुद ही नहीं जाना चाहती थी, तुम्हें पता है ना, वो मेरे घुटने में तकलीफ है, तो जाहिर है ये मिलाद वगैरह की जो तकलीबात होती हैं इनमें सारे इंतज़ाम फर्शी होते हैं, कैसे बैठती। वैसे एक तरह से तो आपने अच्छा ही किया अम्मी, आप नहीं गई। पता है वहाँ पे हर किसी के पास करने के लिए सिर्फ एक ही बात थी कि रूमी मुस्तकिल आ गई है यहाँ रहने के लिए, हमारे घर पे नौकरी कर रही है। और वो और भी लोग ये कह रहे थे कि हमने तो सुना है कि रूमी को ससुराल वालों ने घर से निकाला है। तो तुम सुनती रही है सब कुछ? क्या करती अम्मी, मैं कितने लोगों का मुंह बंद करा सकती थी। क्यों भाभी, क्या मैं कोई अनोखी लड़की हूँ जो मैके में आके रह रही हूँ या नौकरी कर रही हूँ? अब देखे ना, आपकी बहन है वो, क्या नाम है उनका, सुम्बुल आपी, वो भी तो कब से आप लोगों के घर रह रही, जबकि जरा सा झगड़ा हुआ था उनका अपने शौहर से, और शादी के 6 माह बाद से ही आपके पास रह रही। 6 साल होने को आए हैं तक आप लोगों के साथ, आप लोगों ने तो कहीं नहीं निकालते। सब समझ आ रही है मुझे, सब समझ आ रही है रूमी, जो तुम मेरी बहन की मुझे ताने मार रही हो। जानती भी हो कितनी तकलीफ में थी वो वहां पे, ससुराल वाले अलग तंग करते रहते थे और शौहर उनका 1 रुपया नहीं देता था उनको खर्चे के लिए, और तुम मुझे ताने दे रही हो। एक मिनट शानजी, रूमी तुम्हें ताने नहीं दे रही है, वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह तुमने अपनी बहन की बात पे अपनी बहन का दिफा किया है, बिल्कुल इसी तरह से तुम रूमी के लिए बात करने वाली खवातीन की भी जबान बंद करवा सकती। माजरत करती हूँ, चांदे भाभी से बदतमीजी की मैं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बहुत अच्छा किया कि तुमने उसका मुंह बंद करवा दिया, आइंदा किसी के लिए भी बात करते हुए 100 दफा सोचेगा। तुम परेशान मत हो बेटा, ये दुनिया तो किसी को भी खुश हंसता देख ही नहीं सकती, इतना दिल ना खराब करो। चाय पियो अपनी। मुझे बिल्कुल रूमी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह मेरी बड़ी बहन का ताना देगी,
मैं तो उसे अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। पर अम्मी ने भी नहीं उसे रोका, उल्टा मुझे सुना दी। शाना पापा बस कर दो ना, बेचारा रोना तो बंद करो। देखो देखो उसने नई नई जॉब शुरू की है, सारा दिन ऑफिस से थकी भी आती है वापस। हो सकता है ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया और उसने आके घर तुम पे गुस्सा निकाल दिया। जाहिर है आपकी बहन है, आप तो उसी की साइड लेंगे। मेरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, और तुम खुद ही कहती हो ना कि तुम उसे अपनी छोटी बहन समझती हो, तो हो सकता है कि उसने भी बड़ी बहन समझ के अपने दिल की भड़ास निकाल दी हो तुम पे। आरिफ मैंने तो वही बात की है ना जो मैंने मोहल्ले वालों से सुनी है। अपने पास से कुछ नहीं बनाया, वो अलग बात है कि उसको सब कुछ उल्टा लग रहा है। मुझे मालूम है कि तुम क्यों झूठ बोलोगी, बिल्कुल सच बोल रही हो तुम, मैं मानता हूं। अच्छा काम करते हैं, रूमी से सुबह मैं खुद बात करूंगा, बल्कि कान खींचूंगा उसके कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की स्टोन में। और तब तक ना तुम उसे कोई बात मत करना, ठीक है? नहीं नहीं छोड़ें आप, खामखा बदमजगी होगी, किसी से कोई बात ना कीजिएगा। वरना अम्मी ने तो यही समझना है ना कि मैंने आपे कान भरे। बहुत बड़ा दिल है मेरा, भूल जाऊंगी सब कुछ जो कुछ भी रूमी ने मुझे कहा है। आप परेशान ना हो। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे इस बात को जाने दूं मैं? मैं कह रही हूं ना आप मत बात कीजिएगा किसी से भी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझे गलत नहीं समझते। चलो ठीक है, अब तुम इंसिस्ट कर रही हो तो जाने देता हूँ, फिर क्या हो सकता है। इसे बहुत बड़े दिल की हो तुम, ये तो मानना पड़ेगा। चलो ना जाने दो ना, बल्कि काम करता हूँ, आज मैं अपनी बेगम साहिबा को मनाने के लिए खुद अपने हाथों से इनके लिए चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? सुनो ये यहाँ क्यों आए? कौन? ये सारिम सिद्दीकी जो अभी बॉस के कैबिन में गए। सारिम सिद्दीकी आए हैं? कितने डैशिंग है ना यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी पर्सनैलिटी की। जब जाने लगे ना तो प्लीज मुझे बताना। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये यहाँ क्यों आए? कमीशा ये हमारी कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं, बहुत कम माना होता है इनका यहाँ पे। वैसे आज कोई खास काम ही है जो यहाँ पे आए हैं। इनका यहाँ पर भी कनेक्शन मिल गया। क्या बड़बड़ा रही हो, कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं क्या? हाँ नहीं, ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? अच्छा मैं घर जा रही हूँ। अभी अभी तो लंच टाइम है। हाँ मुझे पता है काफी टाइम है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बॉस को मैसेज कर दूंगी। क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप सी हो, यहाँ अकेली टहल रही हो, ऑफिस से भी जल्दी आ गई थी, सब कह रही है तुम्हें? क्या बात है बेटा, कोई बात है तो बताओ। आज ऑफिस में सारिम नजर आए मुझे, स्टाफ से पूछा तो पता लगा कि हमारी कंपनी सिद्दीकी एंटरप्राइजेस की ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तुम इसीलिए घर वापस आ गए? डर गई थी अम्मी कि अगर सारिम ने मुझे देख लिया तो, इसीलिए घर आ गई। क्यों,
डर किस बात का बेटा? और अगर तुम्हें सारिम नजर भी आ गया था तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, घर पे भी तो मिली थी ना। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई, मजबूत बनो, जमाने को फेस करो। इस तरह बुजदिलों की तरह रहोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। और ये दुनिया बहुत छोटी है, अब जॉब करने निकली हो तो लोग मिलेंगे, कोई जान पहचान के होंगे, कोई अजनबी होंगे। अगर तुम्हें सारे मिल गया तो ये क्या बात हुई कि तुम डर गई? वो एक बिजनेसमैन है, जाहिर इतना कारोबार उसका फैला हुआ है, कहीं ना कहीं से उसका कोई रब्ता निकल आया होगा तुम्हारी कंपनी से। अम्मी मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन खुद पर और इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए एहतियात करती। बहादुर बनो, खुद पर एतबार करना सीखो। अगर इस तरह लोगों से डरती रहोगी तो दुनिया तो जीने नहीं देगी। जब इंसान का अपना जमीर मुतमईन हो तो उसको फैसले करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अगर सारे मिल भी गया था तो क्या फर्क पड़ता है, ये नौकरी तुम्हें उसके रेफरेंस से नहीं मिली, तुम्हारे अपने बलबूते पे मिली है। ठीक कह रही हैं। अभी परेशान होना बंद करो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो बेटा। नई नौकरी है, मेहनत करो, दिल लगा के काम करो। आपसे बात करती हूँ ना तो हौसला मिलता है मुझे। अच्छा चलो बेटा, देखो इसको भी नींद आ रही है, इसे सुलाओ, तुम भी आराम करो। नींद आ रही है इसे बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थके हुए लग रहे हो, इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आपको तो पता है मुझे अच्छा लगता है काम करके, वर्क इज माई लाइफ प्रैक्टिकली। बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी, इनफैक्ट पूछना चाह रही थी तुम्हारे बारे में कि तुमने क्या सोचा है अपने बारे में, रूमी के बारे में। क्या उससे शादी का फैसला अटल है तुम्हारा? बता दो चकम आप लोगों को, शादी करूंगा तो रूमी से होगी, प्लीज। सारिम तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन तुम जानते हो ना कि वो एक बेवा है और एक बच्चे की माँ। तुम्हें बेवा होने का जुर्म तो नहीं है, और जब मैं रूमी को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार हूँ तो उसका बेटा भी तो उसी का हिस्सा है ना। सारिम तुम्हारे लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन रूमी के लिए बहुत मुश्किल होगी। तुम जानते हो जिस माशरे में हम लोग रहते हैं वहाँ पर मर्द का दूसरी शादी करना बहुत आराम से कबूल कर लिया जाता है, लेकिन अगर औरत दूसरी शादी के बारे में सोचे तो उसकी किरदार कशी की जाती है, उस पर जिंदगी तंग कर दी जाती है। I completely understand जो आप कह रही हैं, और आप बिल्कुल ठीक भी कह रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ लोगों की बातें मनाने के डर से तो मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगा ना, अपनी मोहब्बत को दांव पर नहीं लगाऊंगा। रूमी मान जाएगी क्या? कोशिश करूंगा उसे मनाने की। अम्मी मैं जितनी उससे मोहब्बत करता हूँ ना, उसे कहीं ज्यादा इज्जत से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं रियली हूँ, हमेशा की तरह मेरा वैसे ही साथ देंगी जैसे देती आई है। सारे आज तुम्हें इतना मुतमईन और इतना डिफरेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है मुझे। ठीक है फिर, जब तुम कहोगे बात करने चलेंगे। थैंक यू। पता नहीं ये लड़का कब सुनेगा। अयान, अयान चलो अंदर आओ। बोलो। मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया, मैं आपसे छूटी हूँ, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, I'm sorry। वाह भाई ये भी ठीक है, जब दिल में आया जो जी में आया बोल दिया और बाद में माजत कर ली। भाभी मैं आपको कोई ताना नहीं दे रही थी, सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि किसी के साथ भी हो सकता है, शायद मेरा अंदाज सख्त था,
और अम्मी को तो देखो, कितनी अजीब बात है ना कि उनको तुम्हारी कही हुई कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन मेरी कही हुई बात हर चीज उनको नजर आती है और मैं ही बुरा करती हूँ इस घर में सिर्फ। शांजे, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, एक ही बहू हो तुम मेरी, मगर पता नहीं दिल में क्या बैर पाल के बैठी हुई हो मेरे लिए। मेरे दिल में कोई बैर नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि आप हमेशा मुझे ही गलत समझती हैं। अच्छा छोड़े ना भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दे। ठीक है, तुम्हें एहसास हो गया यही बड़ी बात है। आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं भाभी, मैंने आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। जानती हूँ। अयान, अयान चलो अंदर पढ़ने। अजीब लड़की है ये, कभी बड़ी नहीं होगी, अभी भी इसको मुझसे ही गिला है। छोड़। चलो फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद तक बताती हूँ, ठीक है? ओके बाय। पापा आपको पता है कि रूमी की जॉब किसने लगवाई है? बेटा मुझे कैसे पता चलेगा? सारे में, वो भी TPR एंटरप्राइजेस में। कैन यू इमेजिन? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगवाई थी कि मुझे रूमी की जॉब की डिटेल्स बताए और कंपनी का नाम बताए। उसने बताया कि TPR एंटरप्राइज है, वहां पर मैं समझ गई थी कि सारे ने लगवाई है। बेटा अब स्ट्रेस लेना छोड़ दो, हमारा क्या लेना देना रूमी से, करने दो जो करती है। लेना देना है पापा, वो ज़ारिम से मुसलसल रास्ते में, तभी तो इतनी चिचाव लगी उसकी। बेटा अब आप ज़ारिम के लिए अपना दिल जलाना छोड़ दो, आपकी जिंदगी में उससे बहुत बेहतर लड़के आ जाए, बस आप खुश रहा करो। मैंने सोच लिया कि अब मैंने क्या करना। क्या सोचा है आपने? कि मैं जल्द से जल्द मास्टर के लिए अप्लाई करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन, वेरी गुड। थैंक्स। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे फोन किया आपने? वो मैंने आपसे जॉब का पूछा था तो आपने कहा था कि कुछ दिनों में आपसे कांटेक्ट कर लूँ, राइट? सर से अगर आपको कहीं और जॉब मिलती है तो प्लीज़ आप वहाँ पे कर लो, क्योंकि फिलहाल मेरे ऑफिस में कोई भी वैकेंसी। वो एक्चुअली सारे मैं आपके ऑफिस में इतना अर्सा काम कर चुकी हूँ, कंफर्टेबल बहुत हूँ, तो अगर आपके ऑफिस में ही जॉब करूँ तो अच्छा रहेगा। फिर उसके लिए हैव टू वेट, मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस में जैसे ही कोई जगह निकलती है एडमिन विल कॉल यू, दे विल इन्फॉर्म। ओके, थैंक यू। और कोई बात? नहीं और कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। हेलो, हेलो सर, सर आपको आवाज आ रही है? हेलो, पता नहीं क्या चक्कर है, बार बार कॉल कट रही है, यहाँ सिग्नल्स नहीं आते भाई, बाहर जाकर बात करो। हाँ ऑफिस से आ रही है, जरूरी होगी, मैं कॉल करके आता हूँ। कमाल है, सुना है बड़ी जॉब लग गई है आपकी। सुना नहीं है, हम लोगों ने खुद लिख कर बताया कि मैं जॉब कर रही हूँ।
बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आपके एटीट्यूड पे। और क्यों ना है? इतनी बड़ी बैक जो है आपके पीछे कहना क्या चाहती हो तुम? कम ऑन भाभी, मतलब ये कि सारिम ने बड़ी समझदारी से काम लिया है, बजाय इसके कि अपनी फर्म में आपको नौकरी दे दे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में जॉब दिलवा दे, राइट? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी जॉब का सारिम से कोई ताल्लुक नहीं है। और रियली आप ये कहना चाह रही हैं कि बगैर किसी टैलेंट के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के आपको इतनी बड़ी फर्म में, इतने बड़े रैंक में वैसी जॉब मिल गई? नाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। कम ऑन बाबू, किसको बेवकूफ बना रही है? मुझे भी सारिम के ऑफिस में सिर्फ पीए की जॉब के लिए इतनी पढ़ाई के बावजूद अरीशा की सिफारिश की जरूरत पड़ी, और आप कह रहे हैं कि आपको सब कुछ ऐसे ही मिल गया। वैसे एक बात है, रिश्ता मेरा जुड़ा था सारिम से, और ताल्लुकात आपने बना दी सिद्दीक की फैमिली से। बाप केस लड़ रहा है और बेटे ने जॉब लग पा दी। मुझे लगता है जिस काम के लिए आई हूं ना, होकर अपने भतीजे से मिलने आई तुझा, वैसे भी वक्त कम रह गया, भाभी को थोड़ा एक्ट देना पड़ जाएगा। ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल के गई? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? अम्मी, इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ, आप खाना ना बनाया करें। अब देखें ना, मिर्चें ज्यादा हो गई। वालेकुम अस्सलाम। इसे क्या हो गया भाई? पता नहीं, सारे रास्ते कोई बात नहीं किसने पूछा तो कह रही है कि सर में दर्द है। मैं देखूं तो क्या क्या दिया है भाई अपने पोते को इन्होंने। वाह भाई, बड़ी अच्छी चीजें हैं, कितनी कितनी महंगी चीजें हैं। अम्मी अम्मी, आप जरा जाके देख लें, तबीयत नहीं ठीक इसकी, तो मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। नहीं बेटा, रहने दो, वो फैजान और कौसर को देख के दुखी हो जाते हैं। पहले भी उससे मुझसे ये जिक्र किया था, अजीब लड़की नहीं, जिन्होंने उसे दुख दिया है उन्हीं के लिए दुखी होती है। अम्मी, कुछ तो अच्छाई होगी उन लोगों में जो वो इतना याद करती है। शान से चाय बनाओ तो रूमी के लिए ले जाना, और साथ पेन किलर्स भी ले जाना। अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, अगर जरूरत हो मेरी तो बता देना, मैं आ जाऊंगा, ले जाऊंगा उसे डॉक्टर के पास। जाओ बेटा, तुम जाओ, मैं उसे देखती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अब देखिए ना अम्मी, कितने कितने प्यारे और कितने महंगे तोहफे देते हैं वो अपने पोते को। आपकी बेटी तो खरीद भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। प्लीज बैठिए ना। क्यों कह रहे हैं आप ये सब? आप करना क्या चाहते हैं? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है जो आप मेरे रास्ते में पत्थर बिखेर रहे हैं? I'm really sorry, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हैं? और मैं आपके रास्ते से पत्थर हटाना चाहता हूँ, आप मुझ पर बिखेरने का इल्जाम लगा रहे हैं। प्लीज सारिम, आप मेरे जुड़े हाथ देखें और मेरा पीछा छोड़ दें। मैं खुद पर मजीद इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं खुश हूं। कैसे इल्जाम की बात कर रही हैं आप?
वो सब एक गलत फहमी थी। आपको पता है एक रिश्ते में और एक शीशे में क्या फर्क होता है? शीशा गलती से टूटा, रिश्ता गलत फहमी से। तो ये जो मेहरबानियां कर रहे हैं ना आप मुझ पर, प्लीज वो करना छोड़ दें। मैंने आप पे कोई मेहरबानी नहीं की है। अच्छा, आपकी एक मेहरबानी को तो अभी मैं रेजिग्नेशन देकर आ रही हूं। अब मजीद नहीं। रूमी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और किस रेजिग्नेशन की बात कर रही हैं आप? क्या आपने अपने ताल्लुकात के बिना पर मेरी जॉब नहीं लगवाई थी? व्हाट? टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपकी कहीं जॉब नहीं लगवाई। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप जॉब कर रही हैं। अच्छा, तो अब आप झूठ का सहारा लें। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई, सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने दें, बस। रूमी, मैं खुद ये चाहता हूँ कि आपकी और आहिल की जिंदगी खुशियों से भर जाए और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। सारे रूम में अकेला? नहीं, कोई रूम ऐसा रहमान मिल गया। क्या, सीरियसली? जी, यही नाम बताया था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस हक से कर रहे हैं आप ये सब कुछ। हक का तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरा दिल आपके नाम से धड़कता है। मेरे वजूद को आपके हिसार ने घेरा हुआ है। हर वक्त हर लम्हा मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है ना आप किसी तकलीफ में हैं, रूमी, मुझे सांस नहीं आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, इसीलिए आपको और आपके बेटे को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। सारिम साहब, क्या आप जानते हैं कि आप एक बेवा से मुखातिब हैं? मैंने जब आपको पहली बार देखा था ना, तभी से आपसे मोहब्बत हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको हर जगह हर तरफ सिर्फ पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन मुझे आप कहीं नहीं मिली। और जब आप मुझे मिली भी तो किस तरह? सहरिश की भाभी के रूप में। और सहरिश के बारे में मैं क्या करता रूमी? What do you want? उसे झूठ का रिश्ता निभाता रहता आपके सामने। मैं सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी रूह को भी आपके हवाले कर चुका हूं। मैं आपके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मैं ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती। ये बात आप अच्छे से अपने जहन में डाल लें। रूमी, तुम इतनी जल्दी आ गई, तबीयत तो ठीक है?
जॉब्स रिसाइन कर दिया मैंने। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? अच्छी खासी जॉब से तुमने रिजाइन कर दिया? क्योंकि वो जॉब सारे मैंने लगवाई थी। तुम्हें किसने कहा? उस दिन कोर्ट में सैरिश ने बताया था मुझे। इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द हो गया था, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया? बिल्कुल। और सैरिश नहीं चाहती कि तुम खुश रहो, वो चाहती है तुम हर वक्त परेशान रहो। तुम जॉब करती, घर में खुशहाली आती, 70,000 रुपए तनख्वाह लगी थी तुम्हारी, जो कह रही थी उसे कहने देती? भाभी मैं नहीं चाहती कि सारिम के हवाले से मेरा नाम कहीं भी जुड़े। किन सारिम को तो पता भी नहीं कि तुम जॉब कर रही हो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती? इसलिए कि ये जॉब तुम्हारी सिद्दीकी साहब ने लगवाई। जब मुझे तुम्हारी जॉब का पता चला और इतनी सारी जो मराहत हैं उनका पता चला, तो मैंने आरिफ से जिक्र किया। आरिफ ने कहा, मैंने बातों बातों में उनसे बात की थी, तब मुझे पता चल गया था। लेकिन मैंने तुमसे खुद नहीं कहा। ये जानते हुए भी कि सहरेश की नजरों में अब मेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कह रही हैं मुझे? रूमी, रूमी सुनो तो बेटा, पागल हो गई है। आप मुझे ये बताएं कि ये जॉब दोबारा नहीं लग सकती किसी तरह? वालेकुम सलाम। आज तुम जल्दी आ गए? जी अबू, वो एक्चुअली कुछ कहना चाह रहा हूँ। रूमी की जॉब आपने लगवाई थी? हाँ, लेकिन मैंने सुना कि उसने रिजाइन कर दिया। आरिफ का फोन आया था मेरे पास, वो बता रहा था। आरिफ वो है जिसके पास मैंने रूमी को रखवाया था। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो ये समझ रही है कि उसकी जॉब मैंने करवाई है, और जैसे ही उसको ये बात मालूम हुई, उसने फौरन रेजिग्नेशन दे दिया। हालांकि मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो जॉब भी करी है या नहीं। उसने रेजिग्नेशन दे दिया तुम, और आप इतने रिलैक्स कैसे? तुम क्या समझ रहे हो क्या होना चाहिए? पर मेरे ख्याल में वो एक इंतहाई गैरतमंद लड़की है जो तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती, ना तुम्हारी दौलत से और ना तुम्हारे स्टेटस से मरूब है। ये आप मुझे समझा रहे हैं? मैंने तो कभी रियलाइज किया है कि बहुत अच्छी लड़कियों में से एक है, और फैजान ने बहुत बड़ी गलती की है। बहरहाल मैं आरिफ से बात करूंगा, क्योंकि रूमी से बात करना तो ठीक नहीं लगता मुझे। जी चाय पियोगे? हाँ, मैं पहले चेंज कर लूँ। रूमी, जब कब तक अपने आप को इस तरह तुम कमरे में बंद रखोगी? न खाना खाया है, ना अहिल को देखा है। क्या बात है, तुम रोई हो? अब तो रोना ही रोक दिया गया है मेरे नसीब में। खुशियाँ और सुकून तो जैसे मीलों दूर हो गए मुझसे। अच्छा, तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? ऐसी हौसला शिकन बातें कभी मुझसे सुनी है तुमने? आपकी तरह बहादुर नहीं हूं ना मैं। बेटा, ये जो बहादुरी है ना, ये ताकत से नहीं आती है, हौसले से आती है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये बहादुरी दी है। इस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे अपने अंदर हौसला पैदा करना होता है।
आप, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस आजमाइश के लिए चुना है तो यकीनन तुम साजमाइश पे पूरा उतरती होगी। बेशक ताबिश बहुत कम उम्री में तुमसे छिन गया और ये बहुत गहरा दुख है, लेकिन हौसला रखो, इंशाल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाएगी, रास्ते आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई नेमुल बदल रखा होगा इसका। मैं साबित कदम हूँ अम्मी, लेकिन ये दुनिया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। दुनिया से मुराद अगर सारिम है तो यहाँ भी तुम गलती पर, क्योंकि तुम्हारी जॉब सारिम की वजह से नहीं लगी, तुम्हारी जॉब तो सिद्दीकी साहब ने लगवाई है। और अगर सारिम की वजह से भी लगी है तो उसमें क्या बुराई है, क्या कबाहत है, इंसान ही इंसान का वसीला बनते हैं। क्योंकि मैं अपनी जात पर सारिम का कोई एहसान नहीं जाती, आपको अंदाजा नहीं आज उसने मुझसे किस किस्म की बात की, मैं चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं मैं।